खान का डोगरा से छापाली से बात कर रहा हूं। अर्ज यह है कि सुबह से 3 बजे से लाइनें लग चुकी हैं और लोगों में वो तकब बेल है। पुलिस को मैंने 15 पर कॉल भी किया है कि आकर कोई इसको मेंटेन करें, लेकिन किसी बंदे ने भी ये तकलीफ़ नहीं की। 2 आदमी कुचले गए हैं, बच तो गए हैं वो जान से, लेकिन वो बूढ़े आदमी थे और बड़ी मुश्किल में 6 महीने बाद रिकवर होंगे। मैं इसके साथ ही दूसरी जो गुजारिश करूँगा वो 12 एकड़ से ज़ायद जो है ना ज़िम्मेदार उनके मुतालिक, 12 एकड़ से ज़्यादा ज़िम्मेदार वो आदमी है कि जो गवर्नमेंट को सालाना टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है 12 एकड़ से। अब आप जो ज़िम्मेदार है और उनको 5 दिन तो पहले लेट रखा कि 5 दिन वो बारदाना ले ही नहीं सकते, 5 दिन बाद के फिर बारी आई तो फिर भी कोई उनकी जो है दादरसी दी हुई। मैं हुकूमत पंजाब से आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस सेंटर हमारे को मेंटेन करें, बाकायदा यहाँ फोर्स भेजी जाए जो लाइनों की वायलेंस ना करने दे, और उसके साथ जो अंडरग्राउंड जो नंबर लग रहा है उस पर भी कोई कंट्रोल किया जाए। आपकी इंतजामिया के साथ बात हुई है किसी जी? 35 दफ़ा हुई है जी। उनका इसके बारे में क्या कहना है? वो कहते हैं कि पहले दिन तो हो गया था, एसी साहब की मौजूदगी मैंने शिकायत की थी, उन्होंने कहा है कि पहले दिन तो जी कुछ हो गया था, खानगा का बंदा लोकल था, उसने हेराफेरी की है, इसके बाद हमने उस बंदे को निकाल दिया। अब भी ये शुरीद यह है कि अंडरग्राउंड जो है ना वो अब भी चल रहा है काम जी। पंजाब से आपकी क्या अपील है? अपील ये है जी हमारी को दादरसी करें छोटे ज़िम्मेदारों की, और प्लस ये ना जो 12 एकड़ के ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं वो कोई गैर मुल्की तो नहीं है, बाकायदा वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को हर